कॉर्ड्स को सीखना काफी आसान है कुछ फॉर्मूले की मदद से, लेकिन कॉर्ड्स को सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, उसके शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आज के वीडियो के बाद वो चीज आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो जानेंगे आज के वीडियो में बेस्ट कॉर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। So, hello everyone, I am Josh Kudawala, professional pianist, content creator and a piano coach. देखिए कॉर्ड की प्रैक्टिस करने में हम क्या करेंगे, आज हम ज़्यादा फोकस हमारे शिफ्टिंग पे करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि आपको पता चले कि कौन सी जगह पे कॉर्ड प्ले करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन, उसकी टाइमिंग पता करना, इसका मतलब क्या है, पहले कॉर्ड फिर लाइन स्टार्ट करनी। लेकिन शिफ्टिंग क्या होता है, ये जो मैंने शिफ्ट किया ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो कि हम अक्सर फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। इसीलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं तीन एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपको फॉलो करनी है विद मेट्रोनोम, और मैं आपको डिटेल में इन एक्सरसाइज को समझाऊंगा ताकि आप कॉर्ड्स के शिफ्टिंग को मास्टर कर सके। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको सी कॉर्ड प्ले करना है एंड आपके राइट हैंड से भी आपको सी कॉर्ड प्ले करना है, लेकिन एक ऑक्टेव को छोड़ के प्ले करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक ऑक्टेव छोड़ना है। ये सी प्ले किया, अब नेक्स्ट सी आपका यहां पे होगा, लेकिन आपको यहां पे प्ले नहीं करना है, आपको करना है नेक्स्ट ऑक्टेव पे। ठीक है, सो ये पूरे एक ऑक्टेव का ब्रेक हो गया बीच में। अब मेट्रोनोम की बीट कैसे होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना है, 1 लेफ्ट हैंड में सी कॉर्ड, 2 राइट हैंड में सी कॉर्ड, 3 अब हमें यहां पे जो हमने ऑक्टेव जो पे छोड़ा था वहां पे सी प्ले करना है, 3 एंड 4 अगेन इन द राइट हैंड सी। आसान, फिर से देखते हैं, सी इन द लेफ्ट हैंड ऑन द फर्स्ट बीट, ऑन द सेकेंड बीट इन द राइट हैंड सी कॉर्ड बट आफ्टर लिविंग 1 ऑक्टेव। ठीक है, 1 2, फिर 3 के लिए आपको ये जो सी अपने लेफ्ट हैंड में प्ले किया था उसका एक ऑक्टेव आगे आना है, then again 4 same chord, all right, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहां पे शिफ्टिंग कैसे हुआ आपका, आप राइट हैंड में तो शिफ्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप लेफ्ट हैंड में कर रहे हो, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड में कॉर्ड्स प्ले करते हैं, तो लेफ्ट हैंड का शिफ्टिंग अगर अच्छा हो गया तो वैसे भी राइट हैंड में तो हमें कॉर्ड्स प्ले नहीं करना, राइट हैंड से तो हम वैसे भी मेलोडी प्ले करते हैं, राइट, इसीलिए हम ज्यादा फोकस हमारे लेफ्ट हैंड पे करते हैं। ऑल राइट, तो ये हमने देख लिया सी पे। अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म नहीं होती है, अब हमें आगे बढ़ना है। कितना आगे जाएंगे, अब हम करेंगे ई से, ई माइनर से। ठीक है, सेम चीज जो हमने सी से की थी वही सेम चीज अब ई माइनर पे करनी है। ठीक है, आपको ये मिडल ऑक्टेव से स्टार्ट करना है एंड एक ऑक्टेव छोड़ के नेक्स्ट ऑक्टेव में प्ले करना है। देखिए मैं दिखाता हूं, ई माइनर पे, ई माइनर फर्स्ट बीट पे, 1 2 2 हमारा राइट हैंड में इन द 1 ऑक्टेव आफ्टर। ठीक है, ये जो ऑक्टेव हमने छोड़ा उसके बाद, फिर 3 बीट पे ई माइनर कॉर्ड लेकिन इन द नेक्स्ट ऑक्टेव फ्रॉम विच वी आर प्लेड इन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, एंड अगेन ई माइनर कॉर्ड, 2 कॉर्ड हो गए। अब करेंगे हम एफ से, सिंपल, पहले सी फिर ई माइनर देन एफ, एफ पे करने के बाद हम करेंगे ए माइनर पे। ठीक है, देखिए ए माइनर आगे के ऑक्टेव में ए माइनर देन लास्ट सी। तो हमने ये वाले ऑक्टेव से स्टार्ट किया और हम गए ये वाले ऑक्टेव तक, तो ये बीच में हम आगे भी बढ़े, हमने यहां पे भी शिफ्ट किया एंड एक एक एक्सरसाइज को प्ले करते टाइम भी शिफ्ट किया। मतलब यहां पे तो हम सी से ई माइनर पे तो आए ही, लेकिन सी से ई माइनर पे आते जब हमने नेक्स्ट मूव किया उससे पहले भी हमने काफी एक ऑक्टेव का शिफ्ट किया। अब एक ऑक्टेव का शिफ्ट करो तो दैट इज द बिगेस्ट शिफ्ट, राइट, अगर आप ये कर लोगे तो आप इसके आगे पीछे वाला तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, सो इसको मैं पूरा प्ले करता हूं,
इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज को फॉलो करना। अब ये तो थी एक एक्सरसाइज, ऐसे मेरे पास और दो एक्सरसाइज है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत काम की है। देखिए, ये आप कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन अगर सीख रहे हो तो ये कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन बहुत ही एक डिटेल टॉपिक है जिसको आपको बहुत सारा टाइम देकर सीखना पड़ता है। एंड इसमें सिर्फ यही कुछ एक्सरसाइजेस नहीं होती, इसके कुछ राइट मेथड्स होते हैं, कुछ राइट टेक्निक्स होते हैं जिसकी मदद से आप कॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से सीख पाते हो एंड विद इन फ्यू वीक्स आप इसको मास्टर कर पाते हो। अब ये आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि YouTube पे क्या होता है, वीडियोस बहुत बिखरे हुए पड़े, इसलिए हमने उन सबको समेट के, मेरी पूरी नॉलेज को मैंने समेट के एक कोर्स में डाला है जिसका नाम है कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स, जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस कोर्स का प्राइस सिर्फ 359 रुपीज़ है एंड इस कोर्स को फॉलो करने के बाद मैं गारंटी करता हूं, आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कॉर्ड्स को आसानी से प्ले कर पाओगे, उसको स्मूथली सॉन्ग्स के साथ प्ले कर पाओगे एंड म्यूजिक को एंजॉय कर पाओगे। एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल विद 7 डेज रिफंड पॉलिसी, सो दिस इज 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू चेक आउट वंस। So, मैं फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली, अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज पे क्या करना है, हम सी कॉर्ड प्ले करेंगे, यहां पे भी सेम करेंगे, लेकिन अब यहां पे हम राइट हैंड में नोट्स को प्ले कर देंगे। पहले हमने सिंपल सिंगल कॉर्ड्स प्ले किए थे, लेकिन अब हम इसमें नोट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी ई जी ई, चार बीट है, चार नोट को ऐड कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे जो कॉर्ड्स हम चेंज करते हैं वो तो वहां पे ही रहेंगे, सी एंड सी, वन बीट पे एंड थर्ड बीट पे, सिर्फ हमने राइट हैंड में कुछ नोट्स को ऐड कर दिया है। सिंपल देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सेम प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे, सी करेंगे, ए माइनर करेंगे, एफ करेंगे, ए माइनर करेंगे एंड सी करेंगे। ऑलराइट, तो ये प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज बहुत सिंपल होने वाला है, सिर्फ हमने जो राइट हैंड में हम सिंपल कॉर्ड प्ले करते थे, अब उसकी जगह पे हम राइट हैंड में नोट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो हियर वी गो। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि आपको 1 2 3 तीसरे नोट पे आपको पूरा एक ऑक्टेव शिफ्ट करना है, और ये कर लिया तो नॉर्मल जो कॉर्ड्स होते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन के, सी ए माइनर एफ जी, मतलब छोटे छोटे कॉर्ड्स, नजदीक नजदीक कॉर्ड्स चेंज करने होते हैं, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स मैंने प्ले किए सी मेजर कॉर्ड के, प्ले किए 1 2 3 4, ई माइनर में करेंगे 1 2 3 4, फिर जी मेजर में 1 2 3 4, और ये ने रॉन्ग प्रोग्रेशन बता दिया आपको, ई माइनर के बाद एफ एंड ए माइनर एंड सी करेंगे। ठीक है, काफी हम एक्सरसाइज में सी ई जी एंड सी करते हैं, लेकिन यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आपके ब्रेन की थोड़ी सी पैटर्न ब्रेक डाउन हो। ऑलराइट, तो देखते हैं, इस तरीके से आपको इसको फॉलो करना है। ऑलराइट, तो ये सेकंड एक्सरसाइज देख ली, बहुत ही आसान थी, अब हम मूव करते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि इसको हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि ये आपकी कॉर्ड्स की प्रैक्टिस का ये आज के वीडियो के लिए आखिरी स्टेज होगा। ठीक है, इसको और डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये हमने पूरा 2.5 आवर लॉन्ग कोर्स बनाया, वीडियो कोर्स है, मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल आपके जैसे उनके लिए बेस्ट कोर्स है। आप वीडियो को कभी भी देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, कितनी जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे मूव कर लेते हैं। एक बार क्या करना है यहाँ पे, हमें अब हम कॉर्ड प्रोग्रेशन को चेंज करेंगे। पहले हमने सी ई एफ ए माइनर एंड सी, अगेन सी के था लेफ्ट नेक्स्ट ऑक्टेव में, लेकिन अब हम माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। माइनर कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा हमारा ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर, एफ शार्प माइनर, सी शार्प माइनर एंड जी शार्प माइनर। ठीक है, अब यहां पे भी सेम चीज करनी है, 1 3 1 3, लेकिन अब जो चार नोट हमने प्ले किए पहले, अब वैसे ही ए माइनर पे करेंगे, लेकिन नोट्स को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। यहां पे हम सिंपल 1 2 3 4 नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए चार नोट करेंगे लेकिन सब आगे जाएंगे, ए माइनर के तीन नोट, 1 2 3, एंड एक और नोट ऐड कर दिया, दैट इज अगेन नेक्स्ट ए। ठीक है, सो ये हो गया थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये इस फिंगर का हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पे डिफिकल्टी पता है क्या होगी, कि आपके राइट हैंड में भी नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट है क्योंकि राइट हैंड में हमने कभी इतना स्ट्रेच किया नहीं अपने हाथ को, क्योंकि जो सॉन्ग्स होते हैं ये नजदीक नजदीक होते हैं। ठीक है, आपको नजदीक मूव करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम दूर करेंगे, इतना कभी हमने स्ट्रेच नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा राइट हैंड में भी डिफिकल्ट होगा एंड लेफ्ट हैंड में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
अब ई माइनर करेंगे, फिर बी माइनर करेंगे, सब में ये करेंगे कॉर्ड के तीन नोट एंड कॉर्ड का अगेन फर्स्ट नोट इन द हायर ऑक्टेव, ठीक है। फिर इसके बाद ई माइनर, फिर बी माइनर, इसके बाद एफ शार्प माइनर, फिर इसके बाद सी शार्प माइनर। देखिए यहां पे आपको ये चीज अवॉइड करनी है, जितना हो सके आपको एक ऑक्टेव का ब्रेक रखना है बीच में। इसको आप आगे भी कर सकते हो इस तरीके से। फिर जी शार्प माइनर करेंगे, ठीक है। ये नोट्स में आप इस तरीके से दोनों नोट आप प्ले कर बैठोगे, लेकिन याद रखना है एक ही नोट प्ले करना है, ठीक है। ये हमारा आखिरी कॉर्ड, मतलब टोटल 6 कॉर्ड्स हो गए हमारे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, इस तरीके से करना, थोड़ा सा स्लो करेंगे, इसमें हमें स्पीड इंक्रीज नहीं करनी क्योंकि ये काफी हार्ड एक्सरसाइज ऑलरेडी है, ठीक है। सो इसको स्लोली करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके इसको मेट्रोनोम पे कैसे फॉलो करना है। आपके लिए मैं आपको एक इनिशियल पॉइंट देता हूँ, फिर आपके लिए जो नेक्स्ट मैक्स लिमिट होगी वो आप खुद सेट करोगे, ठीक है। सो आपको इनिशियली स्टार्ट करना है 100 टेम्पो से, काफी स्लो होगा, ठीक है। 100 टेम्पो तो 1 2 3 4 वो काउंट चलेगा। आपको यहाँ पे करना है 1 2 3 4 in the first exercise, in the second exercise 1 2 3 4, in the third exercise 1 2 3 4. इस तरीके से आपको शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है बाई यूजिंग मेट्रोनोम एंड दिस 3 एक्सरसाइजेस। अब इसको फॉलो करने के बाद आपको अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको डाउट्स को जल्द से जल्द सॉल्व करने की ट्राई करूंगा एंड आपसे कनेक्टेड रहूंगा। एंड वहाँ पे कोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स आते रहते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट्स ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जरूर आ जाइए, व्हाट्सएप की कम्युनिटी में हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे एंड आप हमारे साथ पियानो सीखते रहे, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी तरीके की और वीडियोस चाहते हो तो यहाँ पे मैंने लिंक कर दिए, तो आप इसे चेक कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।